ਬੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਦੇਖ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ अंकल खुश है आंटी ने बोला अंकल को देखने के लिए ये वाली ली है लुक दिखाता हूँ टायर की ये देखो गाड़ी में लगने के बाद भाई साहब गुड मॉर्निंग गाइज आप सभी का फिर दोबारा से स्वागत है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर पर और आप सभी को डीजी का सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों इसमें हम दिखाने वाले हैं एक मॉडिफिकेशन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। जी हाँ हम कराने जा रहे हैं टायर्स चेंज अपनी जिमनी के और आपने देखा होगा कि हमने जिमनी ली थी पिछले ब्लॉग में कुछ बोल रहा है मोबाइल फोन हाँ पेटीएम में पैसे आए बंद करो एक मिनट ये अपने आप ही चल गया कोई वीडियो चल गया। तो आज देखेंगे आप जिमनी की मॉडिफिकेशन का पहला वीडियो भी देखना कि लोग बाहर निकलने पे उसको कैसे देख हाँ वो भी देखना। और एक चीज और है सबसे पहले तो ये बताओ यार कि जिमनी का नाम क्या रखा जाए छोटा सा प्यारा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई कॉमेडी वाला नाम रखा जाए टिल्लू पिल्लू या फिर वैसा मतलब आप बताओ कैसा सजेस्ट कर सकते हो कुछ धमाकेदार होना चाहिए या फिर कोई कॉमेडी वाला नाम होना चाहिए। पहले हमने अपनी एक बाइक का नाम रखा था गॉडज़िला याद होगा जिन्होंने देखी होगी ज़ीनोसो। अपने पास दो टाइगर भी हैं यानी कि वाइट टाइगर है डोमिनार और एक रेड टाइगर है जिसको कि मैं चेतक भी बोलता हूँ तो वो है टाइगर 800। तो ऐसा कुछ नाम भी रख सकते हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार ना थोड़ा सा कॉमेडी फनी टाइप नाम हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा क्यों है और छोटा सा हो। देखो भाई टायर की मॉडिफिकेशन तो मैं कराने जा रहा हूँ लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि भाई गाड़ी तो होती है लेकिन उसके अंदर टायर लगवा लेते हैं 20 इंच के 18 इंच के फिर 22 इंच के इवन 26 इंच के जो अलॉयज वगैरह हैं वो लगते हुए देखे हैं मैंने जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गाड़ी छोटी सी होती है और फिर टायर इतने बड़े बड़े गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाती है मतलब जो उसके काम मतलब कि जो पर्पस होता है वो तो सॉल्व होता ही नहीं है बस दिखावा है। हालांकि हम भी थोड़े से बड़े कराएंगे लेकिन उतने ही बड़े कराएंगे जितना हमें चाहिए जिससे कि अच्छी ग्रिप मिल सके जिससे कि लुक भी ठीक ठाक हो जाए और रोडिंग में कोई दिक्कत ना आए। जैसा मैंने देखा यार बहुत सारे लोग ना थार के अंदर भाई 22 25 इंची के एलॉय लगा रहे हैं यार। बड़े टायर्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि आपकी एवरेज बिल्कुल मर जाती है साथ ही साथ जो फ्यूल कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। खैर जिसके पास अंधा पैसा है वो तो क्या ही एवरेज वगैरह देखेगा लेकिन जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है गाड़ी का भाई वो भी काफ़ी अफेक्ट होता है और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन है उसमें भी काफ़ी कमी आती है यानी कि आपकी स्पीड थोड़ी सी तो कम हो जाती है क्योंकि भाई जब बड़े टायर डलते हैं तो वो बिल्कुल अफेक्ट करते हैं आपकी एक्सेलरेशन पे। जितने बड़े टायर होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी कम हो जाती है। बाकी फटाफट निकलते हैं अब जिमनी पे और करवाते हैं अपने टायर्स चेंज। हालांकि हमने इतने बड़े टायर नहीं डलवाए हैं जितना ज़रूरी है उतना ही डलवाएंगे। गाड़ी को देख के भाई साहब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं लोग आपका कैसा रिएक्शन है देख भाई मेरे को तो खुशी हो रही है क्योंकि देखो ये अट्रैक्टिव चीज तो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गेन कर रही है ये। एक तो कलर हमने भाई ऐसा लिया है ना चूज किया है जो कि सीधा आंखों में लगता है तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और वैसे भी नई गाड़ी है अभी लॉन्च हुई है तो ज्यादा जिमनी है नहीं रोड पर तो लोग देख ही रहे हैं। वो देखो वो बंदा भी देखो सामने देख 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 वो उसने धीरे कर ली गाड़ी। देखो भाई सर एक जा रही है BMW एक जा रही है मर्सिडीज एक जा रही है जिमनी ये हमारी जिमनी है। हाँ भाई गाड़ी कैसी लग रही है नहीं निकाली भाई ये मारुति वाले ने। कलर कैसा कलर बढ़िया गाड़ी भी बढ़िया है गाड़ी भी बढ़िया है थोड़ा सा एक थोड़ी सी हाइट हाइट छोटी है इसकी हाइट तो हम उठा देंगे भाई हाइट तो उठाने जा रहे हैं हाइट हम थार से भी ऊपर उठा देंगे इसकी थार से ज्यादा हाइट में ना बैरल से गाड़ी का नहीं नहीं ठीक रहेगा मारुति वाली गाड़ी तो वैसे बढ़िया होती है बढ़िया होती है। चलो देखो भाई बोल रहे मारुति वाली गाड़ी बढ़िया होती है मेंटेनेंस भी कम होता है मारुति वाली हाँ ये तो है जिन आदमी को नॉलेज होती है वो मारुति की गाड़ी लेते हैं। अच्छा भाई बोल रहा है जिन आदमी को नॉलेज होती है वो मारुति की गाड़ी लेते हैं मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है लेकिन गाड़ी महंगी निकाली है भाई ये तो थार की कीमत की हाँ थार की कीमत की निकाल दी इन्होंने। चलो कोई नहीं बढ़िया वसूल करेंगे। सिलेंडर इसका ये चार सिलेंडर की है चार सिलेंडर अब धीरे धीरे पता लगेगा सब कुछ कैसी परफॉर्मेंस है कैसे चलती है क्या हिसाब है। ये पड़ी भाई 1780 ऑन रोड पीछे दो खिड़की थार में तो आगे से ही बढ़ा 2000 का डाल दो
ये देखो जी वैगन ये खड़ी है। ओहो, जी वैगन अपनी छोटी जी वैगन है भाई, ये छोटी जी वैगन अपनी छोटी है, वो वाली छोटी है, वो वही छोटी हो जाएगी भाई। ये देखो भाई वो लोग भाई जी वैगन वाले भी देख रहे हैं अपनी जीवनी को। हाँ भाई वाह बहुत बढ़िया बहुत। आंटी आंटी मतलब खुद भी मरेगी दूसरों को भी मरवाएगी। चलते वो ट्रैफिक में भाग के आ रही है। वो फुटओवर ब्रिज दे रखा है जबकि सरकार ने वहाँ नहीं यूज करेगी। सामने देखो दोस्तों ट्रैफिक कितना ज्यादा है, और ऑटोमेटिक का फायदा यही है जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो तो भाई सिर्फ आपको करना क्या है, ब्रेक और एक्सेलरेशन, कुछ नहीं करना, कोई गियर की जरूरत नहीं है। हालांकि पैसे तो थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं इसमें, और मेंटेनेंस वाइज भी थोड़ी सी महंगी पड़ती है फिर, क्योंकि ऑटोमेटिक के स्पेयर पार्ट्स वगैरह थोड़े से महंगे आते हैं। लेकिन अगर आपको आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, इजी टू ड्राइव चाहिए कोई गाड़ी, तो ऑटोमेटिक लेना। वैसे मैंने मैनुअल बुक करी थी, जिमनी बुक करी थी, लेकिन फिर यार हुआ क्या कि शोरूम वाले बोले कि जल्दी मिल नहीं रही है मैनुअल, तो मैंने बोला भैया तुम ऑटोमेटिक ही दे दो, जो मर्जी दो लेकिन दो जल्दी से जल्दी। और फिर कल हमने, आपने देखा ही होगा वीडियो जो हमने अपनी जिमनी की डिलीवरी ली, क्या धमाल किया था भाई साहब, मज़ा आ गया। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। ऑटोमेटिक अब मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादा, वैसे पहाड़ों में जब चलाएंगे इसको तब उसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। वैसे ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्ट है यार, बहुत ज़्यादा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, जैसे हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं ना, बिल्कुल वही वाली फील है। अंकल खुश है, आंटी ने बोला अंकल को देखने के लिए वाली लीजिए। अश्वनी इधर से बना लेता। हाँ आ रहे हैं वो शायद, अभी जो स्टॉक टायर्स लगे हुए वो काफ़ी पतले हैं, और मतलब उतनी ऊंचाई वगैरह नहीं है, ट्रैड पैटर्न उनका अच्छा नहीं है, तो कई जगह ये स्लिप भी करते हैं। लेकिन अब जो हम टायर डालने वाले हैं उनको देखना भाई साहब, उनको लगने के बाद गाड़ी क्या बम लगने वाली है। ओके तो भाई साहब यहाँ पर देखो कितने टायर लगे हुए हैं भाई, ये तो टायरों का बोलते हैं ना कुंभ मेला। ये आ गए अपने टायर जी, ये हमारी गाड़ी के लिए, ये वाले और आगे वाले कौन से हैं वो? ओके तो ये है 235/75 R15। चलो देखो भाई टायर क्या गजब लग रहे हैं यार ये, एक बार ना मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाता हूँ दोनों टायर्स का, जो 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 स्टॉक है। ये लो भैया ये आ गया आपका जिमनी का स्टॉक टायर जो कंपनी से आता है लग के, ब्रिजस्टोन का नॉर्मल टायर है आपका। ये देखो कंपैरिजन आपका, ये है आपका 235 सीरीज, ये आपका 195 सीरीज है, नॉर्मल गाड़ी में लग के आता है। योकोहामा का ज्यूलेंडर सीरीज आपका ऑल टेरेन, ये अभी ब्लू दिख रहे हैं इसके, ये भी पूरा व्हाइट होएगा, ये पूरा व्हाइट होएगा, पूरा व्हाइट होएगा, पूरा व्हाइट होएगा। ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर चुके जिमनी में, काफी अच्छा रिस्पांस है इसका। अच्छा इसकी स्टेबिलिटी वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। रफ और गाड़ी में नीचे कहीं लगेगा नहीं कुछ भी, जो फेंडर होता है कहीं कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फिटमेंट है, डायरेक्ट फिटमेंट है, ट्रायल बिल्कुल 100% है। एक बार ये देखो आप, ये जिमनी का है, ये स्टॉक टायर है, ये है आपका, ये देखो अपग्रेड सीरीज, अब देखो सीरीज, आप चौड़ाई देखो, ट्रेड पैटर्न देखो, ये 195 ऑफिशियल टायर होगा, कोई पैरल इम्पोर्ट नहीं है, कोई ग्रे मार्केट का स्टॉक नहीं है, विद वारंटी है, विद जीएसटी बिल है आपका, ऑनलाइन वारंटी कंपनी के थ्रू मिलेगा आपको, पैन इंडिया कहीं पे भी इसका क्लेम करा सकते हो। और आपकी शॉप कहाँ पर है एक बार? हमारा सर नोएडा में है, टायर शॉपी के नाम से है आपका, हम लोग नोएडा सेक्टर 5 में है, टायर शॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। हम लोग यहाँ कम से कम 25 साल से रजिस्टर्ड हैं, 35.5 ब्रांड के डीलर हैं और ऑथराइज में डील करते हैं। और हमें कोई अच्छी डिस्काउंट मिल रही है सर? आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट करेंगे, आपके रेफरेंस में आएंगे उनके लिए बेस्ट डिस्काउंट करेंगे। ठीक 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 ओके सर। चलो जी ये टायर्स है जी,
सर इतना गंदा होना। अरे नहीं सर, ये देखो भाई थार को क्या बना रखा है इन्होंने, जबरदस्त देख रहे हो, ब्लू माउंटेन एक्सपेडिशन। कल हुआ कांड, क्या हो गया? मैं वापस आया, तुम लोग निकले, मैं घर आया, मैं लड्डू बाल के पुलम से पिक किया, जहाँ मैंने उनको छोड़ा था ना वहाँ उसको गर्मी लगी थी। अच्छा, गाड़ी में बैठा उसने गाड़ी को पूरी गाड़ी उल्टी से बन, ओ तेरी गाड़ी। देखो अभी जिमनी को भी बनाएंगे हम, तोड़ा जिमनी बनेगी खतरनाक खतरनाक। ये वाले थोड़े साफ कराते ना, व्हाइट हो जाए, है ना, पूरा व्हाइट हो जाएंगे ये, पूरा व्हाइट हो जाए। लुक दिखाता हूँ टायर की, ये देखो अब गाड़ी में लगने के बाद, भाई साहब लग रही है ना तबाही। अभी सारे लगने बाकी हैं, एक लग चुका है, ये देखो छोटी अमर है ना, छोटी अमर, लवली यार, मजा आ गया देख के। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या 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 होता है बहुत कुछ होगा। तो वही टायर लग गए हैं अपने, लेकिन एक चीज़ महसूस हो रही है, ट्रेड पैटर्न जो इस टायर का है थोड़ा सा गुट्टी वाला है, बड़ी गुट्टी है तो उस वजह से हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है, मतलब कि गुट्टी वाले टायर्स में तो होता ही है, क्योंकि पहले जो टायर लगे हुए थे स्टॉक लगे हुए थे तो स्टॉक में बिल्कुल पानी की तरह चल रही थी, मक्खन की तरह, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि नए टायर हैं इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि बम्पी सी फील हो रही है या फिर वाइब्रेशन सी कर रही है। देखते हैं जैसा भी होगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा चलने के बाद ठीक हो जाए, इशू तो नहीं है खैर, मतलब देखो भाई टायर बड़े हैं और ऊपर से हाँ, क्योंकि जो हम स्टॉक जिमनी लेके गए थे और अब टायर बड़े हो गए तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, बहुत फर्क है दोनों। हाँ लग रहा है चेंजेस हुए हैं, हाँ हल्का चेंज तो आपको फील होगा, आप देख ही रहे हो टायर कैसे लग रहे हैं भाई, बम लग रहे हैं बम। तो भाई अश्विनी भाई जिमनी चला के कैसा लग रहा है? जन्नत, मजा आ रहा है जन्नत भाई, मजा ऑटोमेटिक का मजा है ना, मतलब पंजा दबा गोली की तरह जा रही है, गोली की तरह, मतलब गोली उतनी है, खैर मैनुअल की तरह तो नहीं जाएगी बट क्योंकि मैनुअल का पिकअप काफी अच्छा होता है ज्यादा, फिर भी इसको ना आप स्मूथ आके बैठ के ना उसकी हाइट आपको दिख रही है एकदम मस्त दिख रही है, पूरा बोनट दिख रहा है भाई, पूरा बोनट दिख रहा है, ये देखो अलग ही व्यू आ रहा है भाई, पूरा बोनट दिख। तो अभी हमने स्विच कर लिया थोड़ा सा, तो भाई अपनी जिमनी पहुंच चुकी है, कहां पर दिखाता हूं एक बार मैं। सबसे पहले मिला था रवीन भाई से, आपने देखा होगा कई बार मैं टाइगर इधर लेके आ चुका हूँ, वो देखो motorgarage.in। अब कुछ समझे क्या बोल रहा था मैं कि भाई साहब ज़बरदस्त वाली मॉडिफिकेशन होने वाली है, और ये है रवीन भाई जो कि ये सब करेंगे। अभी तो खैर हम बताएंगे नहीं कि क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन भाई जब बन के तैयार होगी ना बम होगी, बम लगने वाली है, ये वन ऑफ अ काइंड बनने वाली है कि हाँ सब कुछ अलग ही लेवल पर जाने वाला है इस गाड़ी में सारी चीज़। तो वीडियोस का इंतज़ार करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई साहब नेक्स्ट लेवल होगा सब। अभी जो बाकी जो गाड़ियाँ बन रही है मोस्टली हर कोई थ्री डोर के पार्ट्स यूज़ कर रहा है, पर आपकी गाड़ी पे जितना भी हम लोग काम करेंगे वो सारा फाइव डोर के हिसाब से स्पेशली कस्टमाइज है, तब इस पर फिट होगा बिल्कुल। उसमें कितना टाइम लगने वाला है वैसे हमें? वेट करो, धीरे धीरे बहुत लंबी सीरीज आने वाली है, वन स्टेप बाई स्टेप चीज़ें बनती रहेंगी और कोशिश करेंगे कि स्पेशली जो कुछ चीज़ ऐसी हो जो स्पेशली सिर्फ हम आपकी गाड़ी के लिए बनाएं, वो हम लोग कमर्शियली ना सेल करेंगे ना कुछ करेंगे, स्पेशली आपकी गाड़ी के लिए वो चीज़ बनाएं। चलो ओके, ये पहली जिमनी होगी जो आपके पास आई है हमारी? हाँ, मैंने अभी जिमनी पे काम स्टार्ट करा नहीं था इतने टाइम से, सो आप पहुँचे तो हमारा सौभाग्य है आप यहाँ। अब इसको और एक चीज़, हाँ और एक चीज़ और दिखाता हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा motorgarage.in के बारे में, जो 4x4 गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं, इसुजू वगैरह का काम, इसुजू है, हाइलक्स है, तो यहाँ पर इनका बहुत बड़ा गैराज है, ये देखिए सारा काम यहाँ पे होता है, सी यहाँ पर खड़ी हुई है वी क्रॉस और उधर ये खड़ी हुई है, देखिए सारा काम, ये सब कस्टमाइजेशन का काम है, तो यहीं पर अपना अपनी जिमनी का भी काम होगा, देखो पेंट जॉब वगैरह सब चीज़ होती है यहाँ पर, है ना, बढ़िया। चलो जी आज हम जिमनी आपको सौंप के जा रहे हैं, मिलते हैं जल्दी जल्दी।
तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर और अब व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। हालांकि ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है क्योंकि यार घर वाले जो व्लॉग होते हैं 10-12 मिनट मैक्स सही रहता है और जो ट्रैवलिंग वाले होते हैं उनको तो हम लंबा खींच सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोज़ तो देखते हैं, अच्छे भी लगते हैं उनको, लेकिन वो इतने मग्न हो जाते हैं वीडियोज़ वगैरह देखने में कि भाई चैनल पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ये सब चीज़ें ज़रूर करना। तो चलिए अब करते हैं हम टाटा बाय बाय सायोनारा।